नमस्कार, स्वागत है आपका इन खबर में। मैं हूँ उर्वशी सिंह आपके साथ। कंगना रनौत की फिल्म तेजस शुक्रवार यानी कि आज 27 अक्टूबर को रिलीज हो चुकी है। वैसे तो फिल्म की रफ्तार काफी धीमी रही क्योंकि एडवांस बुकिंग के मामले में फिल्म काफी पीछे थी। कंगना की फिल्म ने मात्र 2600 टिकट ही एडवांस बुकिंग में बेचे हैं। इसके साथ ही बता दें कि तेजस को सर्वेश मेवाला ने डायरेक्ट किया है और इस कहानी के लेखक भी वो खुद है। ये फिल्म तेजस एयरफोर्स पायलट तेजस गिल की रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है। वही तेजस के साथ कंगना रनौत एक बार फिर से देशभक्ति के जज्बे को लोगों के अंदर जगाने के लिए स्क्रीन पर उतारती हैं। कहानी के बारे में बात करें तो कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि एक लड़की का जन्म मुंबई में होता है जिसका सपना देश के फाइटर प्लेन को उड़ाना है। देशभक्ति का जज्बा अपने मन में बचपन से लिए वो आगे बढ़ती है। उनके पिता DRDO में नौकरी करते हैं और फाइटर प्लेन तेजस को बनाते हैं। इसी के साथ फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। फिल्म में किरदारों के अभिनय की बात करें तो कंगना के काम ने इस बार दर्शकों को निराश किया है। तेजस में अंशुल चौहान की एक्टिंग ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वहीं अभिनेता की एक्टिंग कंगना पर भारी पड़ती नजर आ रही है। तेजस के हीरो वरुण मित्रा का काम भी बढ़िया बताया जा रहा है। स्क्रीन स्पेस कम मिलने के बाद ही वरुण ने काफी अच्छा अभिनय किया है। आशीष विद्यार्थी और विशक नायर ने भी बेहतरीन काम किया है। इसी के साथ ही फिल्म की डायरेक्शन के बारे में बात करें तो डायरेक्शन में फिल्म पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है। फिल्म की कहानी में स्थिरता की कमी बताई जा रही है। एक्टिंग से बचने की कोशिश की गई लेकिन डायरेक्शन ने भी थोड़ा काम बिगाड़ दिया। शाश्वत सचदेव का म्यूजिक काफी बेहतरीन बताया जा रहा है और म्यूजिक ने फिल्म में जान डाल दी है। इसके साथ ही आने वाले बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो पहले दिन अनुमान लगाया जा रहा है कि फिल्म तेजस 2 से 3 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है, जिसका आंकलन एडवांस बुकिंग को देखते हुए लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि कंगना रनौत कल अयोध्या गई थी जहां उन्होंने अपनी फिल्म तेजस के लिए खास पूजा भी की थी, लेकिन उन्होंने जितनी मेहनत इसके प्रमोशन के लिए की है उतनी मेहनत मूवी में नजर नहीं आ रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, जल्द वापस आएंगे तमाम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए इन खबर।